Hello students, in the last video, we have completed time variant and time invariant system. Now, in this video, we will study causal and non-causal system. Okay, so aaj ki video mein hum cover karenge causal and non-causal system. So, mathematical analysis dekhne se pehle, hume definition understand karni hogi, what is causal system and what is non-causal system. सो कॉजल सिस्टम आपका क्या होता है अगर मान लीजिए जो आपका रिस्पांस है या आउटपुट है सिस्टम का डिपेंड करता है ओनली पास्ट एंड प्रेजेंट इनपुट्स पर ओके पास्ट एंड प्रेजेंट इनपुट्स पर दैट इज नो फ्यूचर इनपुट अगर आपके रिस्पांस में कोई भी फ्यूचर इनपुट नहीं आता है आपका रिस्पांस अगर किसी फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड नहीं करता है वो पास्ट पर भी कर सकता है प्रेजेंट पे भी कर सकता है या दोनों पे भी कर सकता है इट्स ओके बट उसे फ्यूचर पर डिपेंड नहीं करना है फ्यूचर इनपुट पर तो उसे हम कहते हैं कॉजल सिस्टम नॉन कॉजल सिंपल है अब आपका अगर आपका रिस्पांस फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड कर गया ठीक है ना ये बात ध्यान रखिएगा हो सकता है कि आपके रिस्पांस आपके आउटपुट के इक्वेशन में 1000 टर्म्स हो जिसमें से 999 टर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट ही हैं बट अगर एक टर्म भी फ्यूचर इनपुट वाला हुआ तो ये समझ लीजिए कि वो सिस्टम क्या हो जाएगा नॉन कॉजल हो जाएगा क्लियर है अच्छे से तो अब अगर मैं इसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखूं यहां पर तो इसका मैथमेटिकल एनालिसिस मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं सपोज करिए yt जो है आपका वो है 6xt + 7 ओके आपको सिर्फ क्या देखना है यहां पर ध्यान से समझिएगा आपको सिर्फ y t को देखना है और सिर्फ x t को बाकी जो भी टर्म्स हैं चाहे वो t का टर्म हो या t स्क्वायर का टर्म हो आपको कोई मतलब नहीं है आपको सिर्फ x वाले t से मतलब है और y वाले t से मतलब है दैट्स इट अब आप देखिए सपोज करिए अगर आप y 0 निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा 6x0 + 7 मतलब अगर आपको 0 टाइम पर आउटपुट चाहिए तो आपको 0 टाइम पर इनपुट चाहिए ठीक है ना मतलब प्रेजेंट इनपुट चाहिए अगर आप सपोज करिए y 100 करेंगे तो 6x 100 हो जाएगा तो अगर आपको 100 टाइम पर आउटपुट चाहिए तो उसके लिए 100 टाइम पर इनपुट चाहिए तो यहां पर देखिए ना y भी t है x भी t है तो ऑलवेज वो प्रेजेंट पर ही डिपेंड करेगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉजल क्लियर है अच्छे से नाउ एक और एग्जांपल ध्यान से समझिए सपोज करिए आपको yt दिया हुआ है 6x 4 minus t plus 7 ओके अब आप देखिए मान लीजिए आप y 0 कैलकुलेट करते हैं तो किस पे डिपेंड करेगा 6x 4 plus 7 मतलब अगर आप आउटपुट को 0 टाइम पे कैलकुलेट करते हैं तो आपको इनपुट चाहिए 4 टाइम पर दैट इज अ फ्यूचर इनपुट ठीक है ना आउटपुट 0 पर है 0 के रेस्पेक्ट में 4 क्या है आपका फ्यूचर इनपुट तो वैसे तो आप बहुत सारे एग्जांपल लेके देख सकते हैं जैसे सपोज करिए अगर आप कैलकुलेट करते हैं y 10 तो ये कितना आ जाएगा 6x 4 minus 10 कितना होता है minus 6 ठीक है ना तो आप बोलेंगे आप आउटपुट निकाल रहे हैं t equal to 10 पर टाइम 10 पर और आपको इनपुट चाहिए minus 6 पर तो 10 के रेस्पेक्ट में minus 6 तो पास्ट या प्रेजेंट ही हो सकता है मैक्सिमम पास्ट ही होगा ऑब्वियस सी बात है लेकिन पास्ट या प्रेजेंट की कैटेगरी में ही आ रहा है फ्यूचर की कैटेगरी में तो नहीं आ रहा 10 आपका फ्यूचर होगा minus 6 के रेस्पेक्ट में ठीक है ना लेकिन minus 6 क्या है आपका पास्ट है तो फिर आप बोलेंगे एक इक्वेशन में कॉजल दिख रहा है एक इक्वेशन में नॉन कॉजल दिख रहा था y0 वाले में पर मैंने आपको क्या सिखाया है कि किसी भी एक कंडीशन के लिए अगर नॉन कॉजल प्रूव हो गया तो आप ओवरऑल आंसर क्या लिखने वाले हैं नॉन कॉजल ठीक है क्लियर है अच्छे से नाउ अब आप सपोज करिए yt आपको दिया है यहां पर एग्जांपल नेक्स्ट yt दिया है x ऑफ cos t ओके तो यहां पर आप कैसे सॉल्व करेंगे अब देखिए आपका जो टाइम है वो cos t के फॉर्म में आपको दिया है x के अंदर cos t है तो आप देखिए यहां पर अगर आप t equal to 0 के लिए चेक करने जाएं, तो y 0, कितना हो जाएगा x,
कॉस जीरो क्या होता है आपका, वन होता है, तो ये तो यहीं पर प्रूव हो गया कि नॉन कॉजल है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर देखिए टाइम जीरो पर आप आउटपुट चाहते हैं और आपको टाइम वन पर इनपुट चाहिए, तो क्या और कुछ करने की जरूरत है हमें अब? अगर एक कंडीशन के लिए भी प्रूव हो गया नॉन कॉजल, सो वी विल राइट द आंसर नॉन कॉजल, क्लियर? नाउ एक और एग्जांपल देखिए इसी साइन कॉस वाले टर्म में, मान लीजिए एक्स ऑफ साइन टी है, तो उस केस में आप क्या चेक करेंगे? अगर आप टी इक्वल टू जीरो पर चेक करें तो वाई जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो यहां तो प्रूव नहीं हुआ नॉन कॉजल, एक एग्जांपल से प्रूव नहीं हो पाया, जीरो पर जीरो है मतलब प्रेजेंट। कुछ और एग्जांपल लीजिए, टाइम की कुछ और वैल्यू लीजिए। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, आप टाइम की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 मत लीजिए, क्योंकि आपको साइन 1 2 3 4 5 6 के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। आप क्या करिए, साइन की ऐसी वैल्यूज कंसिडर करिए, मतलब टी की ऐसी वैल्यू लीजिए जिसके लिए साइन टी आपको पता हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं साइन 90 चाहता हूं, तो साइन 90 मुझे पता होता है, साइन 45 मुझे पता होता है, तो ऐसी वैल्यूज आप कंसिडर करिए। तो मान लीजिए टी की वैल्यू लेता हूं मैं पाई बाय 2, तो साइन 90 क्या होता है, 1, तो क्या हो जाएगा ये एक्स 1। अब आपका पाई क्या होता है, पाई होता है 3.14 अप्रोक्स, तो आपका पाई बाय 2 क्या होगा, 1.5 से ज्यादा होगा, ठीक है ना, 1.57 अप्रोक्स, तो 1.57 दैट इज पाई बाय 2, और 1 क्या है आपका, 1 जो है वो पाई बाय 2 से लेस होगा, इसका मतलब जो आपको इनपुट चाहिए वो पास्ट इनपुट चाहिए आपको, तो यहां तक तो कॉजली प्रूव हो रहा है। अब अगर बात करूं y पाई की, तो पाई मतलब अप्रोक्स 3.14, तो साइन पाई क्या होता है, 0, तो ऑब्वियस सी बात है 0 जो है वो पाई के रेस्पेक्ट में फिर से क्या है, पास्ट है, तो यहां पर भी आप क्या बोलेंगे कि पास्ट इनपुट ही चाहिए, तो ये सिस्टम तो आपको कॉजल दिख रहा है, ठीक है ना। तो क्या ये वाकई कॉजल होगा कि हम और कुछ भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर 100 तरीकों से भी कॉजल आ जाए, लेकिन अगर एक तरीके से भी नॉन कॉजल आया तो सिस्टम नॉन कॉजल बन जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिए एक और पॉइंट, आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कॉजल एंड नॉन कॉजल के एनालिसिस का, ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू पर भी चेक करिए। अगर मैं वाई ऑफ माइनस पाई निकालू तो साइन माइनस 180 जीरो ही होता है ना, तो कितना हो जाएगा आपका एक्स ऑफ जीरो। इसका मतलब अगर आप माइनस पाई टाइम पर या माइनस 3.14 टाइम पर आउटपुट चाहते हैं तो आपको इनपुट चाहिए जीरो टाइम पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पाई मतलब क्या है, माइनस 3.14, आपको माइनस 3.14 पर आउटपुट चाहिए और जीरो टाइम पे इनपुट चाहिए, तो जीरो क्या होगा आपका, माइनस 3.14 के रेस्पेक्ट में फ्यूचर, तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल। आप देख सकते हैं इन स्टार्ट के 3 एग्जांपल से आपको दिख रहा था कि कॉजल है, लेकिन एक्चुअल में क्या था सिस्टम आपका, नॉन कॉजल। तो ध्यान रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था आपके लिए कि आपको नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी चेक करना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को देखकर आंसर नहीं बोलना है। ओके, क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, सपोज करिए आप वाईटी करते 6xt² + 7, तो यहां पर देखिए आप y 0 ये हो जाता 6x0 + 7, ठीक है, आपका प्रेजेंट पर डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए आप निकालते y 2, तो ये क्या हो जाता 6x4 + 7, मतलब आपको फ्यूचर इनपुट चाहिए, ठीक है ना, 2 के रेस्पेक्ट में 4 क्या होगा, फ्यूचर, तो आप क्या बोल देंगे, नॉन कॉजल। क्लियर है अच्छे से? तो इस तरीके से आप कॉजल या नॉन कॉजल बहुत आराम से बता सकते हैं इन सिंपल एग्जांपल्स के लिए। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल को डिफिकल्ट करता हूं, ठीक है, आपके लिए एक दो क्वेश्चन डिस्क्रीट के लेता हूं, जहां पर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका सिस्टम कॉजल है कि नॉन कॉजल है। सपोज करिए एक एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूं यहां पर, वाई एन इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू एन टू एन नॉट एक्स के। ओके, यहां पर ध्यान रखिएगा जो k है वो आपका समेशन का वेरिएबल है सिर्फ, ठीक है। तो यहां पर अब अगर मैं कैलकुलेट करने के लिए जाऊं आपके लिए कि सिस्टम कॉजल है कि नॉन कॉजल, तो आप देखिए अगर मैं यहां पर y1 निकालने जाऊं, यहां पर आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में जो n नॉट है वो एनी कॉन्स्टेंट है, कुछ भी हो सकता है,
वाई वन निकालने जाऊं तो ये कितना हो जाएगा आपका, मान लीजिए आपकी एन नॉट की वैल्यू 2 है, ओके, तो क्या हो जाएगा 1 से 2 मतलब क्या आ जाएगा आपका एक्स वन एक्स टू, ओके। एन नॉट तो कॉन्स्टेंट है ना, एन नॉट कैन बी एनी वैल्यू, और अगर एन नॉट कैन बी एनी वैल्यू है, सपोज करिए एन नॉट आपकी 10 है, तो अगर आप y2 निकाल रहे हैं तो आपको 2 टू 10 तक तो जाना ही पड़ेगा, बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब हर हाल में जो आपका सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल ही हो जाएगा, एन नॉट कैन बी एनी थिंग, ठीक है ना, तो सिस्टम विल बी नॉन कॉजल। हाँ, अगर आपका एन नॉट एन से लेस होता तो चांसेस थी कि सिस्टम क्या होता, कॉजल होता, बट एन नॉट कैन बी एनी वैल्यू, तो यहां पर सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, नॉन कॉजल, ओके। यहां पर आपको समेशन करना था, आपको निकालना था y1 मतलब n की वैल्यू 1, एन नॉट कैन बी एनी थिंग, मैंने एग्जाम्पल ले लिया एन नॉट इक्वल टू 2, तो क्या क्या निकालना पड़ता, लिमिट क्या होती 1 से 2, तो x1 प्लस x2, ओके। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, सपोज करिए वाई एन है आपका सिग्मा के इक्वल टू एन माइनस एन नॉट एन प्लस एन नॉट एक्स के, अगेन एन नॉट इज द एनी कॉन्स्टेंट, ठीक है। सपोज करिए मैं एन नॉट की वैल्यू, फिर से एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी कंसिडर करिए, आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि कॉजल है कि नॉन कॉजल, मैं 2 ले रहा हूं फिर से, तो मान लीजिए मुझे y1 निकालना है, y1 क्या हो जाएगा देखिए, n1 है n नॉट 2 है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो लिमिट क्या हो जाएगी k इक्वल टू माइनस 1 n प्लस n नॉट 3 एक्स के, ओके। तो क्या आ जाएगा आंसर, x माइनस 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 2, ठीक है, और लास्ट क्या आ जाएगा प्लस एक्स 3, क्लियर है अच्छे से आपके लिए। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो आप निकाल रहे हैं टाइम n इक्वल टू 1 पर, लेकिन जो आपका इनपुट है, जो आपको इनपुट चाहिए वो n इक्वल टू माइनस 1 पर चाहिए, 1 पर चाहिए, 2 पर चाहिए और 3 पर चाहिए। इसका मतलब आपको पास्ट और प्रेजेंट इनपुट तो चाहिए, लेकिन साथ साथ में आपको फ्यूचर इनपुट्स भी चाहिए, इसका मतलब सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, नॉन कॉजल हो जाएगा, क्लियर है अच्छे से। नाउ एक और एग्जांपल आप समझने की कोशिश करिए, देखिए यहां पर एग्जांपल है वाई एन सिग्मा के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एन एक्स के, ओके। इसको देखिए, यहां पर मान लीजिए मैं निकालता हूं वाई वन, तो y1 क्या हो जाएगा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 एक्स के, तो ऑब्वियस सी बात है आप k की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर अप टू कहां तक जाएंगे, 1 तक, ठीक है ना, मतलब क्या आ जाएगा x ऑफ माइनस इन्फिनिटी डैश 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 x ऑफ माइनस 2 प्लस x ऑफ माइनस 1 प्लस x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गई आपकी, 1 के लिए गई, मतलब जो आउटपुट है y1, ठीक है ना, वो आपका पास्ट और प्रेजेंट दोनों इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर पे नहीं किया इस एग्जांपल के लिए। मान लीजिए अगर मैं वाई टेन ले लूं तो तब भी देखिए ना, आप माइनस इन्फिनिटी से 10 तक ही जाएगा ये लिमिट, आपकी लोअर लिमिट माइनस इन्फिनाइट है ना और अपर एन है, तो मैक्सिमम ये एन तक ही जा सकता है, तो हर हाल में ये सिस्टम क्या होगा आपका, कॉजल ही होने वाला है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, दिस सिस्टम विल बी कॉजल, ओके, क्लियर अच्छे से। Now, अब अगर मैं यहां पर नेक्स्ट एग्जाम्पल की आपके लिए बात करूं, सपोज करिए वाई एन आपको दिया है सिग्मा के इक्वल टू 0 टू n है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या था, माइनस इनफिनाइट टू n बोला था k की वैल्यू, यहां पर मैं बोल रहा हूं k की वैल्यू आपकी 0 टू n है, तो अब आपको देखना है क्या ये सिस्टम कॉजल है कि नॉन कॉजल। मान लीजिए अगर मैं यहां पर y1 निकालूं तो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 0 टू 1, ओके, एक्स के, तो क्या आएगा आंसर, एक्स जीरो प्लस एक्स वन, तो आप बोलेंगे यहां पर भी तो एन तक ही जाना है, तो मैक्सिमम तो आपका वन ही आना है वाई वन के केस में, या एन की वैल्यू टू है तो वाई टू के केस पे टू ही आना है, तो ये भी तो कॉजल ही होगा। लेकिन एक काम करिए आप, अगर आप एक नेगेटिव वैल्यू देखें यहां पर वाई ऑफ माइनस वन, मतलब अगर एन की वैल्यू माइनस वन होती तो क्या हो जाता आपका लिमिट, k इक्वल टू जीरो टू माइनस वन एक्स के, ठीक है,
इस बात को ध्यान रखना, ये कभी मत सोचना कि अपर लिमिट हमेशा ज्यादा वैल्यू होगी और लोअर लिमिट हमेशा कम वैल्यू होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं इंटीग्रेशन या समेशन से, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उस बात के लिए वरी मत करिए, आपको कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आप एन की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते, तो आपको एन की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी चेक करना ही करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या होगा, x0 प्लस x ऑफ माइनस वन, तो आप देखिए यहां पर जो माइनस वन वाला आउटपुट है, मतलब अगर आप माइनस वन टाइम पर आउटपुट निकालना चाहते हैं तो वो माइनस वन वाले इनपुट पर डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ में वो n इक्वल टू जीरो x0 इनपुट पर भी डिपेंड कर रहा है, मतलब आपको जीरो टाइम पर इनपुट चाहिए, तो माइनस वन के रेस्पेक्ट में जीरो टाइम क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा नॉन कॉजल। क्लियर है अच्छे से? तो यहां ध्यान दीजिएगा, n की वैल्यू आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके हमेशा चेक करिए, t के लिए भी सेम केस है, ऑलवेज टेक पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू। यहां पर एक और पॉइंट देखिए लास्ट क्वेश्चन में, फिर आप बोलेंगे लास्ट क्वेश्चन में मैंने नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं चेक की, लास्ट क्वेश्चन में भी तो ये हो सकता था। तो आप देखिए लास्ट क्वेश्चन में अगर आप माइनस वन रखते हैं एन की वैल्यू, तब भी तो आप माइनस इन्फिनिट से माइनस वन ही जाते हैं ना, चूंकि आपकी लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी थी, तो आपने माइनस इन्फिनिटी से सारे टर्म कवर कर लिए थे यहां पर। अगर आप एन की वैल्यू रखते माइनस टू, तो आप माइनस इन्फिनिट से माइनस टू जाते, ठीक है ना, तो कोई भी वैल्यू आपकी एन से बड़ी नहीं हो सकती थी। क्लियर है अच्छे से? चाहे आप एन की नेगेटिव वैल्यू रखिए चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखिए, मैक्सिमम जो इनपुट होगा वो प्रेजेंट इनपुट ही होगा, बाकी सारे पास्ट होंगे, कोई भी आपका फ्यूचर इनपुट होने का कोई चांस नहीं है यहां पर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ओके, नाउ मैं यहां पर एक और सिस्टम ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम की हमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन देखनी है, और क्यों सिर्फ डेफिनेशन देखनी है, क्यों हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करने हैं सिस्टम के लिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए स्टैटिक सिस्टम का मतलब होता है जो रिस्पांस है आपका वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करेगा। अगर पास्ट या फ्यूचर पे डिपेंड कर गया, ठीक है ना, अगर रिस्पांस आपका पास्ट और फ्यूचर पे डिपेंड कर गया तो वो हो जाता है आपका डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। तो बिल्कुल सेम एनालिसिस होगा जो आपने अभी कॉजल एंड नॉन कॉजल के लिए किया हुआ है। अगर सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है तो स्टैटिक, किसी भी पास्ट या फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर गया तो डायनेमिक। इसका मतलब क्या है, आपने जितने भी एग्जांपल किए हुए हैं अभी कॉजल एंड नॉन कॉजल के लिए, जहां जहां पर आपका नॉन कॉजल है, मतलब आउटपुट डिपेंड कर रहा है फ्यूचर इनपुट पर, उसे चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलवेज आपका डायनेमिक ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि डायनेमिक पास्ट या फ्यूचर कुछ भी हो जाए इनपुट, सिस्टम डायनेमिक हो जाता है। लेकिन जो जो आपके कॉजल हैं, जहां जहां पर आपका आंसर कॉजल आया है, वो आपके लिए अब होमवर्क है। आपको क्या करना है, जो कॉजल है उसको चेक करना है कि वो आपके स्टैटिक हैं कि डायनेमिक है, ठीक है ना। कॉजल मीन्स वो पास्ट पर इनपुट पर डिपेंड कर सकता था और वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर सकता था। तो कॉजल सिस्टम में से जो जो आउटपुट आपके प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहे थे वो स्टैटिक हो जाएंगे, और कॉजल सिस्टम में जो जो आउटपुट आपके पास्ट इनपुट पर भी डिपेंड कर रहे थे या पास्ट इनपुट पर ही डिपेंड कर रहे थे वो आपके क्या हो जाएंगे, डायनेमिक हो जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा भी का मतलब क्या है, हो सकता था वो प्रेजेंट पर भी कर रहे हो और पास्ट पर भी कर रहे हो, तब भी वो डायनेमिक होंगे। और ही का मतलब क्या है, हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहे हो, पास्ट पर, तब भी वो क्या होंगे, डायनेमिक ही होंगे। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपको चेक कर लेना है कॉजल सिस्टम के लिए, और जितने भी आंसर हैं आपको निकालना है इसके लिए, और कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। इसके अलावा अगर आपको कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम में भी किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ओके, और आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टडी करवाऊंगा जो बाकी के रिमेनिंग सिस्टम्स हैं, लाइक स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम, इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, एंड सो ऑन। ओके, थैंक यू।